के लिए ज़मीन पर उतरे इमरान आरिफ पाशा, लोगों से मुलाकात की अपील की, अपनी मोमिन बहन को कामयाब करें। हमारी पार्टी से एक मोमिन के वास्ते टिकट बोल को अनाउंस कर पाई। कांग्रेस की कैपेसिटी नहीं है, इनकी खुद की ताकत नहीं है, कमजोर है बोल को, दूसरों के घरों में जाकर झांकने का काम इन लोग कर को ही सो। कुछ लीडर्स बेंगलुरु से आको क्या क्या कुछ बात बोल रही, अपना प्रचार अपने हिसाब से कर को चले गए तो ठीक है। ये जमीर अहमद खान कितने सूट के साथ ले लेको फारूक साहब का गला काट को ही, ये हमारा पास प्रूफ है। पुरजोर चल रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक मोमिन होने के नाते मुझे और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जफरुल्ला खान साहब को और हमारे अंदानी साहब, हम सबको, सुरेश घोड़ा साहब एमएलए जो हमारे नाड़गोड़ा साहब, जो हम सब मिलकर एक मोमिन के लिए हमारी पार्टी से एक मोमिन के वास्ते टिकट बोल को अनाउंस कर को ही। पहले तो क्या है, ये कांग्रेस वालों की कैपेबिलिटी और उन्हों कहते कैपेसिटी के हैं कर को बोल को, एक छोटी हरकत कर को उन लोग बता डाली कि उन्हों क्या कर को। वो हरकत क्या बोले तो, यहाँ मंगोली साहब जो हैं यहाँ के एमएलए थे, कौन सी पार्टी के, जेडीएस पार्टी के, जब उनका इंतकाल हुआ तो भाई इलेक्शन अनाउंस हुआ तो अशोक मंगोली जो कैंडिडेट हैं मंगोली साहब के बेटे बराबर, तो इनो लोग जेडीएस वाले को हाईजैक कर को की कर को बोले तो, इनकी पार्टी की कैपेसिटी नहीं है, यहाँ कांग्रेस की कैपेसिटी नहीं है, इनकी खुद की ताकत नहीं है, कमज़ोर है बोल को, दूसरों के घरों में जाको झांकने का काम इन लोग कर को ही सो। और जो कैंडिडेट, अब जो इनका कैंडिडेट है अशोक मंगोली, उसके बारे में मैं नहीं बोलता, यहाँ के लोगों से तो मैं पूछ ले सकती उन्हें क्या क्या कहते अच्छे कामा कर को है कर को बोल को, कितना हमारे मोमिन भाई को तकलीफ देखो है, मुसलमान को तकलीफ देखो है कर को बोल को, ये तो मैं यहाँ के लोगों को पूछ सकती। और जो है, अब कुछ लीडर्स बेंगलुरु से आको क्या क्या कुछ बात बोल रही, अपना प्रचार अपने हिसाब से कर को चले गए तो ठीक है, दूसरे दूसरे ढंग से दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, ये सरासर गलत है। की कर को बोले तो, अब बोले तो बहुत है, कुमार अन्ना सूट केस ले लेको यहाँ को बैठ गिंग कर को बोल रही, अब बी एम फारूक साहब को एक मुसलमान होने के नाते, एक हमारी पार्टी के हाई कमांड देवेगौड़ा साहब जब अनाउंस करे राज्यसभा, किसके वास्ते, बीएम फारूक साहब के वास्ते, ये जमीर अहमद खान कितने सूट के साथ ले लेको फारूक साहब का गला काट को ही, ये हमारा पास प्रूफ है। मैं होना तो दे तू तुम ना, और कितने करोड़ रुपए लेको इनो पार्टी को धोखा दिए और फारूक साहब का गला काटे, ये कौम को काटने के बराबर नहीं किए। और ऐसा बहुत बार जब अपना फायदा होता है वो क्या की बोलती ना, मैं रहना बाकी सब फना, ये इनकी सोच सेल्फ प्रमोशन के शख्सियत जमीर अहमद खान तुम ना, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी से यहाँ एक हमारे मोमिन, हमारी एक कलमे की रिश्ते की बहन को हमारी पार्टी से टिकट देखो ही। वो टिकट जो है एक मुस्लिम क़ियादत को बढ़ाने के वास्ते, मुस्लिम क़ियादत को आगे ले लगाने के वास्ते, तो तुम्हें लोग जो यहाँ को कर रही, तुम्हें लोग जो यहाँ को मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म कर रही, करना चाह रही, ये कहाँ तक सच है तुम्हें लोग बताओ। अब जब टिकट ही नहीं दिए तो हमारी मुस्लिम क़ियादत कैसा बढ़ सकती है, टिकट ही नहीं दिए तो कैसा आगे आ सकता है, जब टिकट देती तब भी ना उन्हें कंटेस्ट कर को नॉमिनेशन फाइल कर को असेंबली को भी जा सकता सो, पार्लियामेंट को भी जा सकता सो। अब की नहीं तुम्हें कांग्रेस वाले दिए, तुम्हें दे सकते थे ना, कांग्रेस वाले की नहीं दिए टिकट, तुम्हें देना था मुसलमान को, मई रहना बाकी सब फना, ये इनका कॉन्सेप्ट और दूसरा क्या भी नहीं। मेहरबानी से यहाँ के जो लोकल्स, हमारे जो जिंदगी के भाया हैं, बहना हैं, बुजुर्ग हैं,
आप तमाम से आजीजाना गुजारिश है हमारी, किसके भी बात में आओ ना को, तुम्हारे से रिक्वेस्ट है, तुम्हें यहाँ रहने वाले तुम्हारे अच्छे बुरे को, तुम्हारे कैंडिडेट के घर वाले उन्होंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना सो, उन्होंने तुम्हारे साथ रहना सो। अब बाहर से जितने भी लीडर आते हैं हथेली में जन्नत दिखा को चॉकलेट देख चले जाते हैं, ढूंढते रहना कहाँ हिंग कर को बोल को, समझ में आया? ऐसा होना तो तुम्हें पूछना तो जहाँ जहाँ भाई इलेक्शन सो को है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में वहाँ के लीडरों को, वहाँ के लोकल्स को, वहाँ के पार्टी वर्कर्स को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की जनता को, वहाँ के गरीब को पूछ सकती। कौन कहते चॉकलेट आंधे को आता है, कहते चॉकलेट आंधे को निकलता कर को, ये चॉकलेट पार्टियां को भरोसा करो ना को, तुम्हें यहाँ रहने वाले यहाँ तुम्हें सोच समझ को किसे वोट करे तो सही है, हमारी कम्युनिटी से किसे टिकट कुमार स्वामी साहब देखो ही, किसे टिकट देवेगौड़ा साहब देखो ही, ये तुम्हें सोच को, नाजिया अंगड़ी जो हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं तुम्हें इनको कोट करो, इनको वोट करो, सीरियल नंबर 2 को इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कोशिश हमें करना, देना नहीं देना अल्लाह के हाथ में, देना नहीं देना अल्लाह के हाथ में। आपको इन्हों से भी कौन डिसाइड करने के वास्ते है, कौन डिसाइड करने के वास्ते है, अल्लाह है आवाम है डिसाइड करती है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। इमरान पाशा बीबीएमपी कॉर्पोरेटर बीबीएमपी चेयरमैन कूड़ा आगे।